क्या नाम है इसका? डायलन। डायलन, मैंने रॉटवाइलर को इससे पहले पप्पी को जरूर मैंने इन्हें भाई गुस्सा ना करियो। चलो चल। तो ये सारे उसी के हैं जी। ओ, क्या बात है। उसके बाद उस कॉर्नर में चले जाओ, सबसे छोटी छोटी ट्रॉफी है जो वो सारी उसी की। तो ये ट्रॉफी देख रहे हो आप, ये ट्रॉफी इसी फीमेल की है, ये है अलवर शोगी। कौन की हाल चाल सर, कैसे हो? कैसे हो? वधिया, बहुत वधिया। मैं सरप्राइज हो गया। ए यो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल। सो आज का ब्लॉग बहुत ज्यादा लेजेंडरी होने वाला है, क्योंकि आपने इस ब्लॉग की डिमांड मुझसे बहुत टाइम पहले की थी, जब मैंने हॉर्स राइडिंग का एक ब्लॉग बनाया था टिवाना फार्म का। तो मैंने उस टाइम प्रॉमिस किया था कि मैं उनके रॉटवाइलर्स को भी कवर करके आऊंगा, तो आज मैं चलो उनके रॉटवाइलर्स को कवर करने, और बहुत ज्यादा मजेदार आने वाला है। तो उनका भी कॉल आया था कि पुलकित भाई तुम आ जाओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है। सो लेट्स चेक आउट क्या सरप्राइज है मेरे लिए वहां पर। सो मेक श्योर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, और जाते टाइम वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो अभी फिलहाल मैं पहुंच चुका हूं टिवाना फार्म, और अगर आपको नहीं आपने से पहले वाला व्लॉग नहीं देखा टिवाना फार्म का, तो मैं यहाँ पर आया था हॉर्स राइडिंग के लिए। यहाँ पर जो एक बहुत बहुत ज़्यादा मशहूर हॉर्स है, अति सुंदर, उसको मैंने राइड किया था। वो व्लॉग अभी आई बटन में आ रहा होगा। अगर आपने अब तक वो व्लॉग नहीं देखा, वो व्लॉग देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उस व्लॉग से आपको पता चल जाएगा कि इस व्लॉग के बारे में मैंने यू नो वहाँ डिस्कशन की थी। तो अभी मैं आपको दिखाना आया हूँ इंडिया के टॉप लीडिंग रॉटवाइलर्स। तो टिवाना फार्म की अगर हम बात करें, तो बहुत ज़्यादा इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में जो है, और इनफैक्ट बहुत सारी कंट्रीज़ में भी जो है टिवाना फार्म जो है रॉटवाइलर्स के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। और मैं अभी आपको सारी उनकी विनिंग भी दिखाता हूँ, और मोस्ट विनिंग फीमेल, यू नो इंडिया के सबसे ज़्यादा रॉटवाइलर में विनिंग फीमेल शोज़ के अंदर वो भी यहाँ पर है। तो मैं आपको इनके डॉग्स दिखाता हूँ, रॉटवाइलर की क्वालिटी के बारे में बात करेंगे। मेरा ये व्लॉग बनाना बहुत ज़्यादा मजबूरी बन गया था, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जो हॉर्स राइडिंग का व्लॉग था उस पर मैंने रॉटवाइलर के बारे में बताया था, तो लोगों की इतनी डिमांड आई थी कि भाई वो व्लॉग चाहिए। तो आज मैं आप सभी के लिए वो व्लॉग बनाने आया हूँ। सो चलिए अंदर चलते हैं पाजी के पास। लाल अभी मैं आया हूँ लास्ट टाइम की जगह, पाजी ने इस बार सारी चेंज करा दी है। लास्ट टाइम यहाँ बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा था। कैसे हो पाजी? बढ़िया जी, आप सुनाइए। ठीक हो भाई? बढ़िया पाजी, चेंज करता सारा पाजी। लास्ट टाइम कह रहे थे जल्द नेक्स्ट टाइम आओगे। हो रहा है जी चेंज, लगे हुए हैं हाले भी। वो पाजी पैसे लास्ट टाइम याद है मेरे को, यहाँ पे सारा कंस्ट्रक्शन का वर्क चला था। अभी पाजी और कितना टाइम लगेगा इसको रेडी होने में? अभी भी चल ही रहा है, अभी थोड़ा और लगेगा जी। मेरे ख्याल में कम से कम भी 2-3 महीने का काम और है, क्योंकि ये सारा यहाँ लैंडस्केपिंग करवानी है, सारा टोटली चेंज कर रहा हूँ इसको। ओके, तो ये जगह जो मैं तुम्हें बता दूं, ये हॉर्स के लिए जगह है बेसिकली। यहाँ पर जो है गोल गोल वो राइड कर सकते हैं, और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, स्पेस का बहुत अच्छे से पाजी यूज़ कर रहे हैं। और ये रूम मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, बट इस बार दिखाना बनता है, क्योंकि इस बार डॉग्स का सारा इसमें अंदर है, राइट पाजी? हाँ जी, और ये एक एक कोट है घोड़ों के ठंड से बचाने के लिए। ये कौन से? ठंड से बचने के लिए घोड़ों के। क्या बात है, ये घोड़ों के वो। अगर आपने हॉर्स वाला व्लॉग नहीं देखा, तो आप मेक श्योर वाला व्लॉग जरूर देखना, क्योंकि उसमें आपको ना जो हॉर्सेस के बारे में, जितने हॉर्स आप अभी यहाँ देख भी पाओगे उनके बारे में पता लग जाएगा। ये है सबसे पहला रॉटवाइलर आज का। वाओ, पाजी मेल है? हाँ जी, ये मेल है। वाओ, क्या बात है। तो अभी आप देख रहे हो ये पाजी का, क्या नाम है पाजी स्टॉक का? इसका नाम है डायलन, डायलन स्पार्टन अरेना। क्या बात है। सो ये आप देख सकते हो इसका स्टैक पाजी, जो मुझे अभी ये बताओ, जैसे इसको कितना टाइम हो गया डॉग शो में, यू नो एग्जीबिशन में जाते हुए? एग्जीबिशन में तो डॉग शो में तो ये अभी गया नहीं, एक्चुअली इंडिया में नहीं गया, बाहर गया, वहाँ विनिंग भी है इसकी। वाओ, सो ये बेसिकली मैं आपको बता दूँ, ये जो डॉग है ये फॉरेन कंट्री से, यू नो बाहर का डॉग है, और यहाँ पे अभी तक इसने विनिंग स्टार्ट नहीं की। और मेक श्योर इसको मतलब नेक्स्ट ईयर तक तो पाजी इसको रिंग में ले आओगे? इस साल भी अगर डॉग शो होते तो पक्का डेफिनेटली रिंग में जाते जी। एक्चुअली कोविड की वजह से इस साल डॉग शो जो है वो हो नहीं है प्रॉपर। क्या बात है। तो पाजी रॉटवाइलर कितना टाइम हो गया आपको रॉटवाइलर ब्रीड को, यू नो ब्रीड करते हुए? काफी समय हो गया जी, मेरे ख्याल में 15-18 साल हो ही चुके हैं। वाओ, 15-18 साल। तो पाजी एक मुझे एक नॉर्मल से एक बात बताइए, अगर एक इंसान है उसने रॉटवाइलर लिया, तो वो किस टर्म्स पे यू नो रॉटवाइलर को जज करे? पप्पी को भी बताओ और बड़े डॉग को भी, वो किस मतलब पॉइंट पे जज कर सकता है कि ये पप्पी अच्छा है? और अगर हम बात करें, जैसे आप शो में लेके गए उस डॉग को, वहाँ 10 डॉग हैं ठीक है लाइनअप के अंदर, तो इस डॉग के अंदर क्या बेस्ट है जो उन डॉग से अलग होगा? क्योंकि जब हम डॉग शो में जाते हैं तो सबसे पहले तो डॉग की एक लुक होती है, मतलब कंडीशन ओवरऑल जिसको बोलते हैं, पहले तो जब डॉग एंटर करता है रिंग में, तो जो भी जज होता है समय पे वो देखता है कि डॉग प्रॉपर कंडीशन में है। उसके बाद फिर
ड्रॉग ट्रॉट करके अंदर आता है, उसके बाद फिर उसकी स्टैग पे जब लग, फिर बाइट चेक होती है, इसके बाइट प्रॉपर होनी चाहिए जी। फिर मेल जो होते हैं तो उनके वो टेस्टिस होने चाहिए, दोनों टेस्टिकल्स। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद ये जब पूरा शो रिंग चल जाता है तो स्टैग पे, जैसे अभी ये खड़ा है देखो क्या, उसमें इसकी पूरी बॉडी एनाटॉमी दिख रही है आपको। बिल्कुल, टॉप लाइन, अंडर लाइन, फ्रंट, बिल्कुल बैक, बैक एंगुलेशन, रियर एंगुलेशन। तो कई रॉटवाइलर भाई टेल ऐसे कर लेते हैं उसका, वो गलत है राइट? अगर बहुत ज्यादा घूम के ऊपर को ऐसे कर लें, हाँ, कर लें, वो फॉल्ट है जी, वो फॉल्ट है। जैसे मान लो ये टेल है, इसी ये यहाँ पे ऊपर तक ले खड़बड़े, इसी टेल को हम बात कर ले, ऐसे कर ले, ये कोई नहीं, वो एक्साइटमेंट होती है डॉग की। ओके, कोई डॉग एक्साइटेड होता है तो उस समय कर लेता है वो। ओके, वाओ। सो कितने टाइम का भाई ये डॉग? ये अभी हो गई 2.5 ईयर का। वाओ। So, ये aggressive तो नहीं होते पाजी रॉटवाइलर, आपका क्या you know? तो ये बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा अभी तक रॉटवाइलर के साथ, कोई भी टचवुड आज तक कोई डॉग ऐसा मेरे कैनल पे नहीं आया जो अग्रेसिव हो। पॉइंट। ये भी एडल्टी आया था और बच्चों की तरह। इसको मैं हाथ लगा सकता हूँ? हाँ जी, हाँ जी, प्लीज। क्या नाम है इसका? डायलन। डायलन, मैंने रॉटवाइलर को इससे पहले पप्पी को जरूर मैंने भाई गुस्सा ना करियो, चल चल सही है। इसका टेम्परामेंट बहुत शांत है, जिस हिसाब से रॉटवाइलर बदनाम है पाजी उस हिसाब से तो नहीं नहीं, ये सबसे बढ़िया ब्रीड ही है इंडिया में। वाह क्या बात, मेरे लिए क्या लोग डरते हैं रॉटवाइलर से, आई थिंक इनसे नहीं डरना चाहिए, जो इंसान होते हैं ना डुप्लीकेट इंसान उनसे डरना चाहिए। आपको दिखाता हूँ क्या रहता है मेन इनका। ये देखो, वाह, ये जिस हिसाब से देखो, इसको स्टैक कहते हैं। ये देखो एक्टिवनेस, वाह, ये जो चीज़ है ना ये सबसे ज़्यादा मैटर करती है डॉग के अंदर और इस क्वालिटी के डॉग्स जो है बहुत रेयर आपको इंडिया के अंदर आपको मिलेंगे और अगर आपको मिलेंगे भी तो वो इसी साइड में, इसी एरिया में, नॉर्दर्न एरिया में ही मिलते हैं या बिल्कुल साउथ एरिया में, दिल्ली वैली साइड और मुंबई साइड में बहुत इस क्वालिटी के डॉग्स बहुत कम जाते हैं। वाह भाजी, ये ब्रीड इस मौसम के हिसाब से रहने लायक है राइट? अगर हम हस्की की बात करें तो इस एरिया में ये और लैब्राडोर और जर्मन शेफर्ड इजीली रह लेते हैं राइट? हाँ जी, हाँ जी, बहुत इजीली। वैसे तो ये भी बर्फ पे रहने वाली ब्रीड है। ओके, बट अभी टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है सब कुछ, ये बहुत फ्रेंडली भी हो गए हैं और यहाँ एडजस्ट कर जाते हैं इस एनवायरनमेंट में बहुत। क्या बात है। सो अभी जो है फिलहाल पाजी लेके आए अपनी सेकंड जो फीमेल है, इनकी मोस्ट विनिंग फीमेल है जिसके अंदर अभी हम ट्रॉफी दिखाएंगे तो उसमें पता लगेगा कि कौन सी सबसे ज़्यादा ट्रॉफी इस फीमेल ने अभी तक इनके पास जो है उन्होंने जीती है। और अभी मैं आपको फीमेल दिखाता हूँ और फीमेल वो इतनी चार्ज है ना, ये देखो। वाह भाई, एज कंपेरेटिवली मेल तो फीमेल थोड़ी जी मेंटेन्ड होंगी है ना, आप जिन्हें कह सकते हैं मेल जो हैवी होंगे है बाय फेस देख लिए बाय बॉडी देख लिए जी, फर्क रहना जी, थोड़ा सा फर्क तो रहता ही है मेल फीमेल में। क्या बात है। तो ये फीमेल है भाई, कितने एज दी फीमेल है ये? मेरे ख्याल में हो गई जी अभी ऑलमोस्ट 5 ईयर्स की हो चुकी है। 5 ईयर्स की, क्या बात, बट अभी भी ये यंग लग रही है पूरी। बिल्कुल 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 बिल्कुल, इसका कलर देखिए इसकी भाजी ना, तो रॉटवाइलर का कलर मैटर करता है जड़ी मार्किंग हुंदी है? हाँ जी, हाँ जी, मैटर करता है बिल्कुल। इसको जी जो इंडिया में रॉटवाइलर को जानता है बंदा, वो इस फीमेल को बाय नेम जानता है। क्या इसका नाम है? याना, याना ओडी वेडा नोरा। ओके, इसने जब ये शो में जाती थी तो अपने समय में किसी मेल को भी अपने से जीतने नहीं दिया। क्या बात है, जिस शो में जाती थी बेस्ट शो लेके आती थी। वाह, मोस्टली क्या बात, सारी आउट ऑफ कंडीशन हो रखी है बेचारी, बिकॉज अभी कोई ट्रेनिंग नहीं चल रही है, शोज तो होने नहीं, फिर बिल्कुल बिल्कुल दे नहीं रहे इनको बिल्कुल भी। क्या बात, अभी तो आराम करती है वर पे, खा रही है बस। तो इससे पपीज वगैरह आपने कभी लिए? हाँ जी, अभी ये मेटेड है मेरे डॉग डायलन से। वाह क्या बात है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद इन 2-3 मंथ्स पपी है ना? हाँ जी हाँ, विद इन 2 मंथ्स। 2 मंथ्स, ये 1 महीने की प्रेगनेंसी हो रखी है अभी। वाह, हेलो भाई, सो भाई इसको वॉक करके देखें एक बार करें। हाँ जी, हाँ जी, चल तो इसकी मैं आपको भी वॉक दिखाता हूँ जब हम शो में जाते हैं तो इस फीमेल की वॉक, लेट्स सी। सो एज कंपैरेटिवली उस डॉग से, क्योंकि वो डॉग अभी इतना बड़ा एज में भी नहीं है, इसको ज़्यादा भाई को ना इस पर ज़्यादा वो नहीं करना पड़ रहा ज़्यादा, और फेस नहीं ना, ये फुल ट्रेंड है, ये ऑलरेडी इसको पता है कि मेरा क्या काम है।
क्या बात है भाई, आप इसको पपी लेकर आए थे आपने? बड़ी ही बड़ी लेकर आता था एक्चुअली, मैंने जैसे पपी एज में बाहर खरीद ली थी, तो वो वहीं पे मेरा एक दोस्त है उसके पास छोड़ दी थी। फिर तो ये ट्रॉफी देख रहे हो आप, ये ट्रॉफी इसी फीमेल की है, ही है अलवर शोगी। कौन से ईयर के पाजी ये? 2018 राइट? 18 के बेटा। वाओ, बेस्ट इन शो। और ये एक और ट्रॉफी है इसकी, फर्स्ट बेस्ट इन शो, क्या बात है। और स्पेशल रॉटवाइलर के उसमें ना जी, 2017 में था या रॉटवाइलर में स्पेशल? वाओ, ये ऑल इंडिया मतलब ऑल वाओ, क्या बात है। सो ये बहुत बड़ी बात है एक रॉटवाइलर फीमेल के लिए ना, बेस्ट इन शो है ना पाजी। वैसे छोटा सा ट्रेलर है, फिल्म पूरी अभी बाकी है, वो मैं अंदर दिखाऊंगा अभी आपको बाकी। तो अभी अंदर चलते हैं भाई, इसकी पूरी की पूरी वो देखते हैं कितनी इसने विनिंग किया अब तक। अंदर आपको बैठने की जगह कम मिलेगी क्योंकि वहाँ ट्रॉफीज रखी हुई हैं बहुत सारी और अंदर जितने ट्रॉफीज हैं उनमें से 50% अकेले इसकी हैं। वाओ वाओ, क्या बात है। तो अभी अंदर चलते हैं रूम के अंदर, और ये है सारी विनिंग से भरा हुआ रूम, लास्ट टाइम भी दिखाया था, बट आज बाजी आपने बताना है कि जो फीमेल अभी हमने लास्ट देखी है उसकी विनिंग कौन कौन सी है। उसकी एक तो ये सारे उसी के हैं जी। ओ, क्या बात है। उसके बाद उसको हम में चले जाओ, सबसे छोटी छोटी ट्रॉफीज हैं जो वो सारी उसी की हैं। इनमें मतलब कि जितनी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है उनमें से 50% ट्रॉफी जो है सिर्फ याना की है, जो पूरी आपको ऊपर से लेके। अभी तो पाजी ने हॉर्स अभी शो करने शुरू नहीं किया राइट भाजी, फिर ऐसा करिए इसके ऊपर एक और यूरो रूम बना सिर्फ ट्रॉफीज के लिए क्या बात है भाजी, बहुत बढ़िया। आप देख सकते हैं सभी, ये देखो बेस्ट इन शो रॉटवाइलर के अंदर ही, और ये देखो ये भी बेस्ट इन शो, फर्स्ट पेट शो, फर्स्ट प्राइज, क्या बात है। और पाजी ने लास्ट व्लॉग में अपना पहला मेडल भी दिखाया था, वो व्लॉग आप देखना जरूर जाके। सो मैं अभी आपको यहाँ पर लेकर तो आया हूँ, बट मैं यहाँ पर खुद भी एक सरप्राइज था कि मेरे लिए यहाँ पे यू नो मैं जिनसे अभी आपको मिलवाने वाला हूँ, जिस शख्स से आपको मिलवाने वाला हूँ, उनको मैं भी बहुत सुनता हूँ और पंजाब में इतने लोग उनको सुनते हैं, और इनकी वॉइस यू नो उस्ताद है वो, मैं आपको मिलवाता हूँ माशा अली जी से। माशा अली जी अंदर बैठे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मौका मिल रहा था व्लॉग में उनको भी ले ले और उनसे एक चीज़ बुलवा ले कि नेक्स्ट व्लॉग उनके स्टूडियो में बनाना है। तो चलिए अभी अंदर चलता हूँ और आपको उनसे मिलवाता हूँ, और साथ ही साथ सुरेंद्र खान जी भी अंदर हैं, तो चलिए आपको उन दोनों से मिलवाता हूँ, और मैं उनके मुँह से बुलवा के रहूँगा कि नेक्स्ट व्लॉग आपके साथ आएगा। की हाल चाल सर, कैसे हो? सत कैसे हो? वधिया, बहुत वधिया। मैं सरप्राइज हो गया अजी, दसिया भी आ जाओ, थोड़े लिए एक सरप्राइज है, तो सरप्राइज इतने बैठे ने। और सब वधिया सर? सारे भाई अपना हॉर्स दे और डॉग दे लवर हां प्यार करदे हां सी इथे, मतलब इथे थोड़े लिए माहौल बन जांदा है ना जदों भी थोड़ा आना। तुसी हिसाब ला लो भी मैं नहीं, सारा पंजाब आउंदे, सारे आर्टिस्ट आउंदे इथे। बिल्कुल, साडा तां आर्टिस्ट वाला भरा उदों दा प्यार है नहीं, साडा तां ऊं प्यार है। बिल्कुल बिल्कुल सही गल, बचपन दा प्यार है साडा तां। हुण मैं ना एक चीज चाहना, मैं अपनी ऑडियंस नूं बार बोल के आया भी, हुण तुहाडे स्टूडियो दा आपां व्लॉग बनाणा है हुण भाई। अगर वो व्लॉग आपने देखना है मेक श्योर, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तभी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी कि कब वो व्लॉग डाल रहा हूँ। और सुरेंद्र सर भी आगे, कैसे हो सर? बिल्कुल ठीक जी, बहुत बढ़िया। मेरे लिए तो सरप्राइज ही, मेरे पाजी कहते आ जाए यार तेरे लिए एक सरप्राइज है, तो सरप्राइज हुन आपा नेक्स्ट पक्का कीता है भी, स्टूडियो दा व्लॉग आएगा जी, ठीक है, ते तुसी भी उत्थे ही होना है। बिल्कुल बिल्कुल होना है, मेरे भरा दे नाल हमेशा, होर हले होर बहुत सिंगर आणगे उत्थे। बस ठीक है, मतलब मैं फिर तगड़ी जब दसदे नहीं आपा, अच्छा सरप्राइज होना, सस्पेंस हैगा वो। सो विद दैट करते हैं हम आज के व्लॉग का एंड, आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। ऐसे ऐसे मस्त व्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। ख्वाबों की दुनिया में रखा कदम मैंने, आंखों में आंसू भरे, या फिर सपना है ऐसा जो